रेडी हो रही हैं अब गैज, समय हो गया 12:30। अभी तो सिया जी की तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पे मशीन लगी हुई है। तो गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज है अप्रैल, तो आज के दिन सिया जी की हो रही है विदाई, यानी 21 अप्रैल को सिया जी की विदाई हो रही है। तो सब लोग रेडी हैं, अभी हम भी नहा धो के रेडी हैं और बाकी सब लोग तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सिया जी भी नहा रही हैं, कुछ काम कर रही हैं अपना। तो आज उनकी विदाई है, उनके मायके से आ रहे हैं लोग उनको लेने के लिए, लिवा जाने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको मिलवाते हैं सबसे और दिखाते हैं। चल रहे हैं पहले खाना खाने के लिए, तो पहले भोजन कर लेते हैं, उसके बाद सारी प्रक्रिया दिखाते हैं आपको। तो गैज हमारा भोजन पानी हो गया और सिया जी अब रेडी हो रही है, सिया से मिलवाते हैं आपको। तो देखिए ये भी तैयार हो रही है अभी, तो तैयारी इनकी चल रही है, अभी वो लोग आने वाले हैं। तो घर जाने की, मायके जाने की एक्साइटमेंट देख सकते हैं चेहरे पे। एक्साइटमेंट है, तो अभी तैयार हो रही है ये और अभी वो लोग आएंगे। देखिए दोपहर का समय हो गया, 12:45 बजने वाला है, आते आते सुबह 10 बजे से लोग आ रहे हैं और 12:45 बज गया है। पता क्या लग गया है, तो देख सकते हैं इन्होंने मना कर दिया है मॉर्निंग में आने के लिए। तो बाकी सब पीछे ऐसे ही रैंडमली सामान रखा हुआ, तो ये कहें कि नहीं 10 बजे के बाद ही आना है, तो उन लोगों का आते आते भी समय लग गया और सबको सर्दी खांसी जुकाम हो गया, इनको भयंकर वाली सर्दी हो गई क्या। गज समय हो गया 12:30 और बाहर लोग आ चुके हैं, तो रेडी हो रही हैं अब। तो सब लोग चले गए बाहर, चूंकि लाइट नहीं है, फैन चल नहीं रहा है, सबसे बड़ी समस्या यही है। गर्मी का दिन हो और लाइट न रहे, पंखा नहीं चले, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कितना गर्मी है, लू चल रही है, उनकी मड़ाई अभी नहीं हुई है और ये लोग आए हैं, तो गाड़ी वहाँ खड़ी है। गेहूँ यहाँ पे फैला के रखा गया था कि ताकि इसमें धूप लगे, खरखर हो जाए। अभी थ्रेशर शाम को आएगा, शाम को आज मड़ाई होगी, तो वो लोग छाँव में बैठे हैं पेड़ के नीचे, तो सीधे लू चल रही है। अब गर्मी का दिन है, लू चलेगी ही। आइए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। अभी तो सिया जी की तैयारियाँ चल रही है, लगभग फाइनल हो गया ना, तो तैयारी इनकी कंप्लीट हो गया, बैग वगैरह रेडी है, रेडी होकर बैठी हैं, इंतज़ार कर रही हैं। और अभी जिसको जाना है, लिवा जाना है, अभी वो आराम से बैठा है, तो ये तो रेडी होकर बैठी हैं। गर्मी लग रही है, लाइट पंखा कूलर इन्वर्टर कुछ नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतना तेज़ धूप हो रही है बिना लाइट के, बिना पंखे के, सब हाल बेहाल है सबका। चलिए गाड़ी में बैठिए, आराम से जी रहा इधर हज किया ना पानी तो पहले पर ले ले हो। हाँ सब लोग गए, सिया भतीजे आए थे उनके, सब लोग गए,
अब हम लोग द्वार पे जो गेहूँ रखा है उसकी मढ़ाई करवाते हैं, गाड़ी बुलवाते हैं, मढ़ाई करवाते हैं, इससे फुर्सत पाते हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश हो सकती है। गाइस इसमें मढ़ाई का काम चल रहा है, बाहर मशीन लगी हुई है इसलिए आवाज़ आ रही है, आपको दिखाते हैं बाहर का। यहाँ पे मशीन लगी हुई है, पूरा सब धूल गर्दा मतलब पूरी तरह से डस्टिंग हो चुकी है। और ये गेहूँ है, ये आधा है, बाकी तो ख़त्म हो चुका है, अभी मढ़ाई चल रही है। लोग लगे हुए हैं इसमें, 3-4-5 लोगों की जरूरत पड़ती है। चलिए फिर चलते हैं। तो 2-3 घंटे मढ़ाई करने के बाद फाइनली गेहूँ बोरी में भरकर तैयार है, अब इसको अंदर रखा जाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो मैं गांव से घर से वापस आ गया हूं, और हफ्ते दिनों के बाद मैं वापस आया और यहां पे देख रहे हैं आंधी तेज़ कल आई थी, तो तेज़ आंधी के साथ में पूरा घर में डस्ट डस्ट हो गया है, पूरा जो है चारों तरफ डस्ट, क्योंकि नदी के किनारे घर है इसलिए धूल गर्दा रेत सब उड़ के आता है तेज हवा चलने पे, तो इसलिए सफाई करनी पड़ेगी। और कोई है नहीं घर पे, तो इसमें मैं अकेले ही हूँ, तो सफाई तो करनी ही पड़ेगी। चलिए अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और कुछ साफ सफाई करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, खाना पीना तो रामशीष भाई क्या होगा, तो चलिए अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो गाइज हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, और कल रात में बारिश हुई हल्की फुल्की, और आज फिर धूप वैसे ही हो गई, यानी 12:30 बजने वाला है, धूप फिर से निकल गई है कल की जैसे, तो इसमें धूप ज़्यादा हो रही है, बारिश अचानक हो जा रही है, हालांकि मौसम ठंडा है लेकिन धूप उतना ही है रोज़ की जैसे, बाहर धूप लगेगी आपको अंदर मौसम ठंडा लगेगा। चलिए फिर चलते हैं रामशीष भाई के यहाँ, और वहाँ पर भोजन वजन करते हैं, उसके बाद कुछ आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए।